देख रहे हैं प्रकाश टीवी की मैलिशा जुनेजा आपके लाइव पांचवाजी बड़ी खबर। केमिकल फैक्ट्री में हुए धमाकों के बाद जगह प्रशासन लिया ये बड़ा फैसला, शादियों में शराब सर्व करने के लिए लेना होगा लाइसेंस। हरियाणा सरकार के 510 बसों को रद्द करने के फैसले को हाई कोर्ट से मिली मंजूरी। सीआरपीएफ सिपाही भर्ती में फर्जीवाड़ा फिजिकल देने पहुंचे फर्जी युवक। स्कूल में अश्लील हरकतें करने वाला प्रिंसिपल सस्पेंड। जंजीरों में बंधी युवती ने नशे पर किए कई बड़े खुलासे। एचआईवी की गलत रिपोर्ट देने से 22 वर्षीय महिला की मौत पर विधानसभा में गरमाया मामला। खुशखबरी, मनी महेश यात्रा के लिए शुरू हुई हवाई टैक्सी सेवा। खेल दिवस के अवसर पर होगी फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। दिल्ली में नशे की अम्मा हुई गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। डेरा बसी में एक के बाद एक केमिकल फैक्ट्रियों में हुए धमाकों के बाद आखिरकार प्रशासन जाग उठा है। मंगलवार को मोहाली के डीसी गिरीश दयाल ने जिले की 73 केमिकल फैक्ट्रियों के फायर सेफ्टी ऑडिट के आदेश जारी कर दिए हैं। ऑडिट रिपोर्ट 15 दिन के अंदर डीसी को सौंपनी होगी। अगर आप होटलों और रेस्टोरेंटों में कोई शादी या पार्टी करने का प्लान बना रहे हैं और इसमें शराब भी सर्व करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको लाइसेंस लेना होगा। अगर बिना लाइसेंस पार्टी या शादी जैसी किसी कार्यक्रम में शराब परोसी जाती है तो पूरा स्टॉक ही जब्त कर लिया जाएगा। पेनल्टी अलग से लगेगी। होटलों रेस्टोरेंटों पर भी इसके लिए पेनल्टी लगेगी। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने इस संबंध में साफ निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रति किलोमीटर आधार पर निजी बसें किराए पर हायर करने वाली किलोमीटर स्कीम से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अब 510 बसों के एग्रीमेंट रद्द करने के हरियाणा सरकार के फैसले को ट्रांसपोर्ट ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार सहित सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। किलोमीटर स्कीम के तहत 510 बसों के टेंडर 31 से 37 रुपये प्रति किलोमीटर तक दिए गए थे, वहीं बाद में 190 बसों के लिए टेंडर 20 रुपये से भी कम में आए हैं। सीआरपीएफ सिपाही भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। पुलिस ने लिखित परीक्षा दूसरों से दिलाकर खुद फिजिकल देने पहुंचे 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। फिजिकल के दौरान आरोपियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मिलान न होने के कारण आरोपी पकड़ में आए। डीआईजी की ओर से पत्र मिलने के बाद हरकत में आए भर्ती बोर्ड के पीठासीन अधिकारी के बयान पर चारों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया, जबकि डीआईजी के पत्र के पहले ही अंगूठे का मिलान न होने पर 450 अभ्यर्थियों को रिजेक्ट कर वापस भेज दिया था। इन सभी संदिग्धों की भी जांच शुरू कर दी गई है। तलवाड़ा ब्लॉक के दातारपुर के राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा 2 महिला अध्यापकों के साथ अश्लील हरकतों के मामले ने तूल पकड़ लिया है। प्रिंसिपल और महिला टीचर की शर्मनाक हरकतों की वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा कदम उठाया है। प्रिंसिपल विक्रम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है, वहीं महिला टीचरों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। बताया जाता है कि महिला अध्यापकों ने कहा कि हमसे गलती हो गई है, माफ़ कर दो। यहां मां द्वारा जंजीरों में बांध कर रखी गई 24 साल की युवती के खुलासों से हड़कंप मच गया। युवती ने पुलिस और अमीर घर की एक लड़की को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए हैं। नशे की दलदल से निकालने के बाद मां ने युवती को जंजीरों से बांध रखा हुआ है। उसने पुलिस और एक बड़े घर की लड़की पर नशे को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने खुलासा किया कि चंडीगढ़ अमीर घर की ने उसे नशे की लत लगाई और चंडीगढ़ पुलिस की भी नशे से सौदागरों से मिली भक्त है। पुलिस को ड्रग पैडलर के बारे में जानकारी देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अमृतसर के सांसद ने युवती की हालत देखी तो वह भी दंग रह गए। बुधवार को विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एचआईवी की रिपोर्ट दे महिला की कोमा में जाने के बाद हुई मौत के मामले पर टिप्पणी की है। इस संदर्भ में उन्होंने 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। रोड़ू के कांग्रेस विधायक मोहनलाल ब्राक्टा ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत जब यह मामला सदन में उठाया तो मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच के आदेश दिए हैं। मनी महेश की यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आज यानी कि बुधवार सुबह से भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी सेवा की शुरुआत हो गई है। बता दें कि इस बार यूटी एयर और ट्रांस भारत कंपनी को हेली टैक्सी सेवा के लिए अधिकृत किया गया है। यूटी एयर को रक्षा मंत्रालय से परमिशन मिलने के बाद आज से मनी महेश यात्री हवाई सेवा का फायदा उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल दिवस के मौके पर फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस अभियान का मकसद लोगों को फिट रहने के लिए जागरूक बनाना है। फिट इंडिया अभियान में उद्योग जगत, फिल्मी जगत, खेल जगत के अलावा अन्य अनेक हस्तियां शामिल होंगी।
प्रस्ताव के मुताबिक अभियान के पहले महीने में देश के सभी शिक्षण संस्थानों में खेल प्रतिभाओं के साथ वॉकथन साइकिल रैली आयोजित होंगी और चेकअप कैंप लगाए जाएंगे। दूसरे महीने में कस्बा जिलों में स्कूलों और यूनिवर्सिटी में प्रत्येक स्तर पर खेल इवेंट होंगे। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये हकीकत है कि 88 साल की उम्र में एक महिला हीरोइन जैसे मादक पदार्थ की तस्करी में गिरफ्तार की गई है। महिला की पहचान राजरानी उर्फ तोपली के रूप में हुई है। पुलिस की माने तो बुजुर्ग महिला 30 साल से मादक पदार्थों के धंधे से जुड़ी हुई है। वह इंद्रीपुर थाने की घोषित बदमाश भी है। पुलिस ने उसके पास से 16 ग्राम हीरोइन बरामद की है। राजधानी के तमाम इलाकों में महिला को हीरोइन अम्मा के नाम से जाना जाता है। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।